दोस्तों नफरत की पाठशाला का जिक्र जितना देश में है उससे कहीं ज्यादा विदेशों में इसकी चर्चा हो रही है, और चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर अमेरिका की सरजमी पर खड़े होकर के बोला कि देश में मुसलमानों के साथ किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। देश में G20 होने वाला है, अमेरिका से लेकर तमाम देश के बड़े बड़े दिग्गज राजनेता जो हैं इस सरजमी पर जुटेंगे, जहां गरीबों को छुपाने के लिए 3-4 दिन के लिए दिल्ली बंद कर दी गई है, तो वहीं लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि G20 में इस नफरत भरे वीडियो को भी देश के प्रधानमंत्री को दिखाना चाहिए कि एक मासूम बच्चे को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जाता है कि वो मुसलमान है, और मुसलमान होने की वजह से उसे टारगेट किया जा रहा है। और उस बच्चे को तो यह शब्द भी नहीं पता जिस शब्दों का इस्तेमाल उसकी टीचर उसके पास बैठ करके कर रही थी, जहां मोमडन शब्द का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को यह करना चाहिए। अब उस मासूम बच्चे से किसी ने पूछने की कोशिश की कि मोमडन क्या है, तो उसको इसका इल्म ही नहीं। जहां उसके वालिद वालिदैन उसे इल्म हासिल करने के लिए इल्म के इदारे में भेजते हैं, उन्हें क्या मालूम था कि नफरत की पाठशाला जो है उसके बच्चे को सिखाई जाएगी, और उसी बच्चे के उस बच्चे को उस नफरत का शिकार बना लिया जाएगा। इसी को लेकर के विदेशी मीडिया में खुलकर के इसकी चर्चा हो रही है। क्या कुछ विदेशी मीडिया में छापा गया है, क्या कुछ लिखा गया है, उसे वर्ड टू वर्ड आपके सामने रखूंगा। जहां तुर्की की सबसे बड़ी वेबसाइट TRT वर्ल्ड, जो कि सबसे बड़ा न्यूज चैनल है, उसने खुल करके इस घटना के बारे में जिक्र किया है, और क्या कुछ तुर्की ने इस पर कहा है, क्योंकि एक एक वर्ड आपके सामने इसमें बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि गर्दन जो है हमारी भी पकड़ी जा सकती है, हमारी भी गर्दन दबोची जा सकती है। ये कहा जा सकता है कि साहब कोई इस तरीके की खबर जो है वहां तो छपी नहीं, आपने ये खबर कर दी, तो हम ये वर्ड टू वर्ड दिखाएंगे कि क्या कुछ देश के प्रधान सेवक के लिए, क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी के लिए, और किस कदर मुसलमानों के लिए देश में नफरत पड़ी है। उस पर TRT वर्ल्ड, जो कि आप ये देखिए तुर्की का सबसे बड़ा चैनल, और तुर्की के राष्ट्रपति रसप तैयब एर्दोगेन, ये तस्वीर आपके सामने है, क्योंकि अगर इस पे किसी नेता का बयान आ जाता या कोई बयान सामने आता रसप तैयब एर्दोगान का, तो साफ तौर पर कहते कि ये तो भड़का रहे हैं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। हमें भी कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में लिखा जाता है कि साहब देखिए भड़काने के लिए आ गए, सरकार को बदनाम करने के लिए आ गए, आप तो डंका बजवा रहे हैं, यहां तो लंका लगी पड़ी है। हर एक छोटे से छोटे वीडियो जो है तुरंत में विदेशों की सरजमी पर पहुंच जाते हैं और वो खुल करके छाप देते हैं। जहां तुर्की ये साफ तौर पर लिख रहा है कि इंडियन टीचर फेसेस चार्जेस फॉर साइटिंग स्टूडेंट टू स्लैप मुस्लिम क्लासमेट। अब ये जो बात लिखी गई है इसके बारे में बात करना जरूरी है, और ये जो वर्ड पर गौर करके बोला इनसाइटिंग, इसका मतलब है उकसाना, भड़काना। आपने मुस्लिम बच्चे के लिए उसके साथियों को भड़काया है कि आइए गाल पर जोरदार तमाचे चढ़िए। भड़काव वाली राजनीति, भड़काने वाली, उकसाने वाली जो क्लासमेट है वो मुजफ्फरनगर पर चलती है, जिसे वर्ड टू वर्ड तुर्की ने क्या कुछ इसके बारे में लिखा है, इसे आप लोगों के सामने भी दिखाने की कोशिश करूंगा। इसका हिंदी में हमने ट्रांसलेट किया है, जो कि आपके सामने आप देखिए कि वो लिखते हैं कि प्राइवेट स्कूल टीचर, जिसमें लिखा गया कि पुलिस ने कहा, जो कि ये आप देखें कि पुलिस ने कहा है कि उत्तरी भारत में एक निजी स्कूल शिक्षक को छात्रों को एक मुस्लिम सहपाठी को थप्पड़ मारने के लिए उकसाया जाता है। अब इसमें जो वीडियो देखा उसी के आधार पर बताया कि साहब
टीचर ने बच्चों को उकसाया उस मुस्लिम बच्चे को चांटा मारने के लिए, और लोगों के जहन में वो तस्वीर ताजा हो गई 2013 मुजफ्फरनगर के दंगे और मुजफ्फरनगर की सरजमी पर यह घटना घटित हुई। क्योंकि पोलराइजेशन करना है, कैसे भी करना है, उसमें मासूम बच्चे शिकार कर बने, चाहे कोई बने, उससे भी गुरेज जो है वो नहीं किया जाएगा। इसके आगे जो है, अगले पेज की तरफ अगर बढ़ते हैं तो क्या कुछ लिखता है टीआरटी वर्ल्ड, जो कि आप देखें कि भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को पुष्टि की कि शिक्षक पर जानबूझकर नुकसान पहुंचाने और अपमान करने के साथ साथ उकसाने का आरोप लगा है। अब इसके बाद जो है टीचर का बयान सामने आता है, कई जो लोग सपोर्ट करने वाले हैं बीजेपी आईटी सेल के लोग और उनसे जुड़ी हुई मानसिकता के लोग, वो कह रहे हैं कि साहब ये तो गलत है, एक टीचर की नौकरी ले रहे हैं, ये तो होना ही नहीं चाहिए, अब बच्चे को पढ़ाया भी ना जाए। यही अगर कोई मुस्लिम टीचर किसी दूसरे बच्चे के साथ करता, अब तक आसमान सर पर उठा करके नंगा नाच जो है गोदी मीडिया ने कर दिया होता, तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते, तमाम तस्वीरें सामने आती, पर इस टीचर के लिए कहीं कोई तस्वीर सामने नहीं, जो कि साफ तौर पर वो लिख रहा है कि शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के खूबापुर गांव में हुई घटना का वीडियो वायरल होने के बाद ये तमाम रिएक्शन सामने आए। इसका जिक्र गोदी मीडिया से मेन तरीके से गायब है, पर टीआरटी वर्ल्ड जो है खुल करके लिख रहा है। और अगली तरफ अगर बढ़ते हैं तो क्या कुछ कहता है, वीडियो में दिखाया गया है कि मुस्लिम छात्र कक्षा के सामने खड़ा है और उसके कई साथी आते हैं, जोरदार तमाचे उसके गाल पर लगाना शुरू कर देते हैं, जहां साफ तौर पर शिक्षक है जो हिंदू है। इस बात पर गौर करके टीआरटी वर्ल्ड ने अपनी बात को कहा कि शिक्षक जो है वो हिंदू है, वो ये कहते हुए सुना जाता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम उसे जोर से क्यों नहीं मार रहे हो, नेहा पब्लिक स्कूल के शिक्षक को भी ये कहते हुए सुना जाता है। मैंने घोषणा की है कि सभी मुस्लिम बच्चों को जाना चाहिए। आरोप दायर होने से पहले लड़के के पिता इरशाद अहमद ने कहा था कि वे कोई शिकायत दर्ज नहीं कर रहे। ये तस्वीर सामने है कि किस तरीके से नफरत की खेती की जाती है और उस नफरत की खेती में बच्चे को शिकार बना लिया जाता है, जहां छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं उसे चांटा मारते हैं तो मैडम कहती हैं कि और तेज गाल पे चांटा मारिए। इसका जिक्र जो है टीआरटी वर्ल्ड ने खास तौर पर किया है। अगर आप अगले पेज की तरफ बढ़े तो साफ तौर पर इस घटना के कारण बड़े पैमाने पर सार्वजनिक आक्रोश जो है वो फैल गया है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे तमाम तरीके के प्लेटफॉर्म हो, हर जगह पर इसी घटना की, इस खबर की चर्चा है कि इतनी बड़ी घटना वो भी मुस्लिम बच्चे के साथ सिर्फ इसलिए घटी कि वो मुसलमान है, जिसके बाद मासूम बच्चे के मन में भेदभाव का जहर बोना, स्कूल जैसे पवित्र स्थान को नफरत के बाजार में बदलना, एक शिक्षक देश के लिए इससे बुरा कुछ नहीं कर सकता, जो कि राहुल गांधी के ट्वीट का जिक्र जो है वो टीआरटी वर्ल्ड ने किया है। क्योंकि टीआरटी वर्ल्ड में राहुल गांधी के ट्वीट को दिखाया गया और राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि यहां जो भेदभाव हो रहा है, जो नफरत की पाठशाला पढ़ाई जा रही है, इससे बुरा कोई शिक्षक देश के भविष्य के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि ये बच्चे जो हैं हमारा भविष्य है, उनके हाथों में भारत का मुस्तकबिल होगा आने वाले समय पर, और वो क्या सीखेंगे इसके बारे में जिक्र किया गया। पर इसी पर राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर के लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि साहब राहुल गांधी ने मुसलमान नहीं बोला, अल्पसंख्यक का उपयोग किया। पुराने पुराने ट्वीट, और अखिलेश यादव ने तो साफ तौर पर लिखा अल्पसंख्यक बच्चे, यहां मुस्लिम नस्काट प्रेम मचा रहे हैं कि भैया अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया को शर्म आ रही है कि वो मुसलमान शब्द नहीं बोल रहे, तमाम पत्रकारों की रिपोर्ट सामने आ रही है कि अल्पसंख्यक बच्चे को, एक विशेष समुदाय के बच्चे को, यहां मुसलमान को मुसलमान बोलने से क्यों परहेज किया जा रहा है।
ये सबसे बड़ा सवाल है। पर जो राहुल गांधी ने बात कही उस पर गौर करने की जरूरत है कि मासूम बच्चे के मन में भेदभाव का जहर भूना, स्कूल जैसे पवित्र स्थान में नफरत के बाजार में बदलना, इससे ज्यादा घातक देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। इन तस्वीर पर, इन पहलुओं पर बात होनी चाहिए जो कि साफ तौर पर यह कहा जा रहा है। और आखिर यह भी कहा जाता है कि यह भाजपा द्वारा फैलाया गया वही केरोसिन है जिसने भारत के हर कोने में आग लगा दी है। इस बात का जिक्र मुख्य तौर पर टीआरटी वर्ल्ड में किया गया है। जो राहुल गांधी ने बात लिखी है तो वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट को भी टीआरटी वर्ल्ड ने छापा है और साफ तौर पर बताया है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम लड़के के पिता शिकायत दर्ज करने के बजाय अपने बेटे को स्कूल से निकाल रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। इस बात को सबसे मुख्य तौर पर छापा गया है। और गौर करने वाली बात है जो अंत में टीआरटी वर्ल्ड ने अपनी बात को कहकर के खत्म किया है कि 2014 में भारत में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से मुसलमानों के खिलाफ घृणा और अपराध में वृद्धि हुई। ये खुल करके कहा कि 2014 के बाद से ये घटनाएं ज्यादातर देश में बढ़ी हैं और सिर्फ इसलिए बढ़ी हैं कि मुसलमानों से कुछ लोगों के दिलों में नफरतें बढ़ा दी गई हैं, जिसका जिक्र टीआरटी वर्ल्ड ने किया। जो कहा उसी को दिखाया, उसी के द्वारा छापा और तमाम तस्वीरें जो हैं वो आपके सामने थी कि किस तरीके से इन तमाम खबरों को देश और दुनिया देख रही है। आंखों में थोड़ी शर्म बाकी हो तो ऐसी घटनाओं के ऊपर संज्ञान लीजिए, क्योंकि सामने खड़े होकर के बोल देने से कि साहब देश में कुछ नहीं हो रहा, देश में क्या कुछ हो रहा है, इसका जिक्र तो विदेशों में चल रहा है और उसी के आधार पर तमाम खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं।